make some money, I want to come here every day. Every day? Couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst. गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे. आज का हम दिन स्पेंड करने वाले हैं सारा अबू धाबी में. बेसिकली हम जाना चाहते हैं ग्रैंड मॉस्क, शेख जायद मॉस्क इन अबू धाबी, एंड और भी दो चार चीज़ें हम अबू धाबी में देखना चाहते हैं. पर दिन की शुरुआत करने से पहले हम खाना खाएंगे. खाना खाने के लिए हस्बैंड ने एक बंगाली रेस्टोरेंट ढूंढा है. वैसे मैं ट्राई करने के लिए एनी एडवेंचरस नहीं हूँ, मुझे बेसिक चीज़ें ही अच्छी लगती हैं. बहुत ही ज़्यादा फजी एंड पिकी ईटर हूँ मैं, पर मैंने सोचा कि ओके विल ट्राई. और आज सुबह उठ के हिम्मत अपने डैड के साथ गया था स्विमिंग पूल, एंड मैंने स्विमिंग पूल का मज़ा बिल्कुल भी नहीं लिया. और ये ग्रैंड हयात दुबई का जो स्विमिंग पूल है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है मून पैलेस जैसे. आउटडोर स्विमिंग पूल पता नहीं कितने सक्सेस होते होंगे यहाँ पे, पर ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है. एंड स्विमिंग पूल के अराउंड इन्होंने काफ़ी पक्षी रखे हुए हैं, एंड इसमें ये मोर भी थे. हिम्मत को ये बहुत अच्छा लगा. एक अलग ही वाइब है इसके साथ स्विमिंग पूल की. हिम्मत ने, मुझे लग रहा, 2-2.5 घंटे स्विमिंग पूल में स्पेंड किए. हिम्मत को पानी से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है दोस्तों, एंड बड़ी मुश्किल से उसको लेके आए. और अब हम जाएंगे खाना खाने के लिए. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है दे 3-4-5, आई डोंट नो कौन सा, पता नहीं मैंने दिनों का हिसाब रखा है या नहीं. पर आज हम लोग जाने वाले हैं अबू धाबी मॉस्क देखने के लिए. एंड मैंने उसको, उस मॉस्क को काफ़ी देखा है इंस्टाग्राम पे, एंड मैं बहुत एक्साइटेड. ओके, या मे बी आज हमारा 6th डे है, एंड कल हमारा आखिरी दिन है, एंड परसों भी हमारे पास दिन है क्योंकि हम शाम को चलेंगे यहाँ से. अब हस्बैंड गए हैं बैंक से थोड़ी करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए, क्योंकि फिर जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो इजी होता है. उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने के लिए कुछ नए प्लेस पे जाना चाहते हैं. हिम्मत खाना चाहता है छोले भटूरे. हस्बैंड ने एक रेस्टोरेंट पसंद किया है बांग्लादेश का, एंड मे बी उसका हम ब्रेकफास्ट खाएंगे या देख लेते हैं क्या करेंगे. कुछ डिफरेंट खाना चाहते हैं, पर मैं एक्सपेरिमेंटल हूँ नहीं है ना, मेरे को डर लगता है, और मैंने कभी बांग्लादेश का फूड खाया नहीं है. सो होपफुली हम वहाँ पे जाएंगे और मुझे अच्छा लगेगा. एंड अभी सो फार गाड़ी में हस्बैंड की वेट कर रहे हैं हम लोग. के लिए हमने मेजॉरिटी ऑफ चीजें सेम ही ऑर्डर की थी. पिछली बार मुझे इडली नहीं मिली थी, जिसकी वजह से मैंने मसाला डोसा खाया. उसको स्विच करके मैंने इडली कर लिया इस बार. बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, बट शक्ल उनकी डिफरेंट है. एंड इनका पानी लाल है, उनका पानी पीला था, एंड शक्ल मुझे इसकी ज़्यादा अच्छी लगी. अगर मैं कुक करूँगी तो मेरी खाने की शक्ल कुछ इस तरह की होगी. अगर आप मुझे जानते हैं ना, आपको पता होगा कि खाने की शक्ल है ना जो, खाने की सूरत है ना जो, वो मुझे बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तभी मैं चीज़ें खा पाती हूँ. अगर बकसूरत दिखती है ना तो मुझे मज़ा नहीं आना. बट वो भी बकसूरत नहीं थी, वो बट डिफरेंट थी. अच्छा खाना था इनका. तो दोस्तों मैंने ऑर्डर किया मेरे लिए इडली, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, एंड उनका सांभर भी बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी क्वालिटी, एंड चटनियाँ भी थिक है, कल वाली पानी में नहीं. उसमें मैंने पूछा कि इसका रंग कैसे ऐसे रहे, लाल तो नहीं करते आप? उन्होंने ये हर्ब्स दिखाई हैं कि इसकी वजह से हुआ. हर्ब्स गाइस बाउ इन दिस वाटर अपनी ये मॉडल जो कहां पर मुझे या वी टेक एक्सपेरिमेंट ला साइंस एक्सपेरिमेंट कर लो पे दोनों. ओके हमारा मील हो गया. ला 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 चोरी चोरी नाले सीना चोरी ਉਹਦੇ ਗੰਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਐਂਗਣਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੱਭ ਪਏ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ. ਅਜਵੈਨ ਮੇਥੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਕਾਰਡੀਮਮ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਆ.
सो मील के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा डिज़र्ट भी ना टेकआउट कर लेते हैं, रास्ते में खा लेंगे. तो मैंने लिया है चॉकलेट ट्रफल, पिस्ता केक एंड ब्लैक फॉरेस्ट, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं. एंड अभी ये बेक होके अंदर से आए हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई. और आई थिंक इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है, पैकरूम, मैं आपको दिखाऊंगी बाहर से. अगर आपने खाने पीने के शौकीन हो हमारे जैसे और एक ही जगह में सारी दुनिया, हाँ, तो आप दुबई है. ये वेज और नॉन वेज दोनों के लिए बहुत ऑप्शन है. जो लोग नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, या दे लव इट. और इट्स लाइक कंपैरेटिवली ये सस्ता भी है. मुझे लगता है कि अच्छा होगा कि अगर आप दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी के मंथ्स में आएंगे, क्योंकि अच्छा प्लेजेंट मंथ होता है ये वेदर, लाइक 25-30 वी कैन टॉलरेट दैट. वी वांटेड टू कम हियर ऑल द टाइम बट या फर्स्ट टाइम नहीं लगा. यू आर ईटिंग चॉकलेट क्रैफल केक. हाय, मैंने सोचा कि अपना खूबसूरत चेहरा भी दिखा दूं. सो यहाँ पे ना अच्छा बंगाली फूड मिलता है एंड केरला स्टाइल फूड. मुझे लगता है कि हमने जो भी चीज़ें खाई वो केरला के स्टाइल की थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट मेन्यू उन्होंने बंद कर दिया, आई डोंट नो व्हाई. एंड कल ना यहाँ पे नेशनल डे है और छुट्टियाँ हैं एंड काफ़ी ज़्यादा बिजी थी. सो यस, इंट्रोड्यूसिंग माई अगली हस्बैंड. ओके, हो गया. सो ओके, ये रेस्टोरेंट का नाम है पैराकॉन. पहले मैं गलत बोल दिया था दोस्तों. सो कैलकट पैरगन, और ये एड्रेस है अल नहादा, नहादा अल करामा. तो ये है इस रेस्टोरेंट का नाम. एंड बंदे उधर चले गए हैं. ये डैडी ना एक चीज़ नहीं होल्ड कर रहा. गाइस हेल्प कर दे, करो कोई चीज़ पढ़ ले तुम जाने. राइट बीनी, डैडी का हाथ पढ़. Guys, don't blame me for eating cake because or else. Wow, guys, हिम्मत दहत फड़ा करो please. Okay, so कल मैं बालों को वॉश करने के बारे में सोच रही थी, पर मुझे लगा कि मेरे पास टाइम नहीं होगा स्टाइल करने का, क्योंकि हस्बैंड कहेंगे कि जल्दी निकलते हैं. हम 8 बजे से निकले हुए हैं पर यहीं पर रोम कर रहे हैं करंसी चेंज करने के लिए एंड ब्ला ब्ला. सो बट इसलिए मेरे बाल ना थोड़े ऑयली एंड अजीब हैं, क्योंकि कल हम वो डेजर्ट सफारी में गए थे ना, तो और ज़्यादा गर्मी एंड ह्यूमिड था. एंड मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पता नहीं वो ट्रैवल की वजह से है. एंड एक अद्धा मेरा स्किन केयर का प्रोडक्ट मिसिंग है, और मे बी स्ट्रेस है, आई डोंट नो. होपफुली वो ठीक हो जाएगी, मज़ा नहीं आया. होटल में ना बहुत अच्छा स्पा है एंड पूल है, उसे भी मैं इन्जॉय करना चाहती हूँ. तो मोस्ट प्रॉब्ली हम कल पूल को एंड स्पा को इन्जॉय करेंगे थोड़ा, एंड उसके बाद हम मेरे हस्बैंड के ब्रदर को दुबई मॉल दिखा सकते हैं एंड बुर्ज वाला एरिया, वहाँ पे कुछ मील खा लेंगे, क्योंकि उसने वो देखा नहीं है, हमने तो देख लिया. और मैं दोबारा जाना नहीं चाहती हूँ, पर पति मेरे बिना जाएंगे नहीं, साइन ही लेते हैं मेरे बिना. सो यस, ये है प्लान हमारा कल का. एंड परसों भी हम कुछ हल्का फुल्का सा कर लेंगे, सिटी वॉक कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम ज़्यादा टायर्ड नहीं होंगे. सो फार दिस इज़ अ प्लान. एंड आपको मैं लेके चलती हूँ मास्क कैसे लगते हैं, बहुत एक्साइटेड हूँ. और ये जो मास्क है ना वो उन्होंने टूरिस्ट लोगों के लिए बनाई है, सो मतलब सबके लिए है, पर टूरिस्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जा नहीं सकते ना जो नॉन मुस्लिम्स हैं, पर इसमें हम लोग जा सकते हैं. गाइस मेरे पति ने गल्ला मारने की थोड़ा अड़गर रहने की कहने बेल्ट वालों, बेल्ट कुछ नहीं करेगी, ज़िंदगी बचाएगी, पेट भी साफ करेगी. पेट पूजा करने के बाद हमारा सफ़र शुरू होता है अबू धाबी की तरफ. अबू धाबी मुझे लग रहा है अराउंड 1.5-2 घंटे दूर है दुबई से. अबू धाबी यूएई की कैपिटल है, अच्छा शहर है वो, और हमने सुना है कि वो दुबई के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा साफ भी है, क्लीन भी है. एंड हम एक दो चीज़ें वहाँ पे देखना चाहते हैं. बहुत मज़ेदार हमारा सफ़र अच्छा निकल गया, बातें चाते करते करते एक दूसरे के साथ पुरानी यादें डिस्कस करते हुए, लड़ाइयाँ करते हुए, लड़ाइयाँ नहीं की हमने वैसे, ऐसे प्यारी प्यारी बातें करते हुए. मेरे
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ। जब हम ये मॉस्क के अराउंड पहुँचे ना तो अलग ही वाइब थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई है ये मॉस्क। आप देखें, ज़रा ना टाइम लें और इसकी खूबसूरती को अपने अंदर तक समा लें। सो जब आप ये मॉस्क के गेट से एंटर करते हैं तो बहुत बड़ी, काफ़ी बड़ी पार्किंग एरिया है। अब बसेस के लिए अलग से पार्किंग है, गाड़ियों के लिए अलग। The dumb kids are blind. You're right. So why does that one look like he's a circle? Weird combination. That one looks like he's a circle. Yeah. For some reason. But that one looks like normal. Or is it just the things that like decorations on top of? Mm-hmm. It could be that, or it could just be robots just moving on it. Mm-hmm. Wait, is that the future? We're in Abu Dhabi, guys, and I'm gonna ruin your whole career. Okay, खूबसूरत दोस्तों, battery is getting low, not again. Okay. So हम लोग पहुंच चुके हैं अबू धाबी एंड ये मस्जिद में। वहाँ से हमें मिलेगी टिकट एंड देन हम अंडरग्राउंड जाके मस्जिद के अंदर जाएंगे। मुझे पूरा श्योर नहीं है कि कपड़े सही हैं हमारे, बस मेरे कपड़े सही हैं, मैंने पूरी बॉडी को ढक के रखा है जो कि नॉर्मली है मेरे लिए, पर सिर नो ढक्कन लिए कुछ चाहिए या नहीं, आई डोंट नो। सो वी गॉट टू थिंक अबाउट दैट एंड सो फार हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। से और पार्क करके आपको आना होता है ये अंडरग्राउंड नॉट टाइनी, ये शॉपिंग मॉल सा है। इसमें आपको टिकट्स मिलेंगी, इसमें फूड कोर्ट भी, अगर आपको कुछ खाना हो काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलेंगी फूड की। मैं मेरा देवर एंड मेरा बेटा, हम लोगों ने बैठ के वेट की और हस्बैंड लाइन में लग गए टिकट लेने के लिए। वह लंबी लाइन थी और उन्होंने कहा कि एक ही बंदा लगे और उन्होंने वहाँ पर हमारे लिए टिकट ले ली। ये फ्री है बट आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, देन वो आपका स्कैन कर करके अंदर तक लेके जाते हैं। सो मास्क में अंदर जाने से पहले वो कहते हैं कि आपके कपड़े अच्छे कवर होना चाहिए, गर्ल्स को स्पेशली एंड बॉयज़ के लिए भी उनका एक ड्रेस कोड है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। एंड मैंने अपने बालों पर एक लाइक रुमाल बांध लिया था, उन्होंने कहा कि रुमाल नहीं तुम्हें स्कार्फ चाहिए। सो मॉस्क तक पहुंचने के लिए भी बहुत लंबा रास्ता है दोस्तों, तो हमने ये गाड़ी सी ले ली थी और इस पर बैठ के हम चले गए। एंड बुड्ढा शरीर है कितना ट्रैवल करेगा, राइट। और जब आप एंटर करते हैं ना तो ये बहुत ही प्यारा सा म्यूज़ियम बना के रखा है उन्होंने, आप खूबसूरती देखें कि कितना खूबसूरत बना हुआ है ये। सो म्यूज़ियम में वो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ की खास है, फर्नीचर है, आर्ट है, काफ़ी तरह की कलाकारियाँ हैं। Just one, but it seems
सो जब हम लाइन में खड़े थे ना अंदर जाने के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे एक ड्रेस कोड रखा है, वही आपको पहन के अंदर जाना चाहिए। लड़कियों को अपने बालों को कवर करना होता है। मैंने रुमाल बांध लिया था, पर वो कह रहे कि तुम्हें स्कार्फ चाहिए, तो फिर मुझे लाइन से निकल के स्कार्फ लेने के लिए जाना पड़ा। लड़कों के लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लड़कियों के लिए है। तो फिर मैं स्कार्फ लेने के लिए गई, मेरे हस्बैंड कह रहे कि तू आ कर ला कर ला। मैंने कहा कोई बात नहीं, स्कार्फ ले लेती हूँ, अच्छी मेरी मेमोरी बन जाएगी कि मैं ये ग्रैंड मॉस्क आबू धाबी से लेके आई हूँ, और ये अच्छा मेरी ड्रेस के साथ मैच भी कर गया, तो मेरा आउटफिट बड़ा मज़ेदार। मैंने ना कभी ताजमहल नहीं देखा, और ये पूरी ताजमहल की फीलिंग आ रहा। ओके, सो ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा काम एंड बहुत पीसफुल है, शांत। मस्जिद से हमारा डन है, अब हम बाहर आए हैं, और यहाँ लाइक एक छोटा सा शॉपिंग मॉल है, फूड कोर्ट है, और सारी एसेंशियल चीज़ें हैं। तो हमने ली है हमारे लिए कॉफ़ी, क्योंकि सदियाँ हो गई हैं कॉफ़ी पिए, आई थिंक 7-8 डेज के बाद पीने वाले हैं कॉफ़ी। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, पर पति के लिए ना मुश्किल ही था। सो हम पीने वाले कॉफ़ी, समबड़ी हैविंग टी एंड हिम वाज हैविंग ऑरेंजेस। उसके बाद हस्बैंड हमें कोई स्पेशल प्लेस पर लेके जाएंगे। वेयर यू टेकिंग रंग आया बैग रेप्लिका छोटा इंडोनेशिया। ओके, सो हस्बैंड ना इंटरनेट से नॉलेज ले रहे हैं आबू धाबी के बारे में थोड़ी जी, कहने इसके बाद उठे लगे जाना है मुझे आपको आबू धाबी का जिसे रैप लिखा है इंडोनेशिया से बाली। पर ये साइको किलर नहीं है, ही इज अ वेरी डिसेंट गाय। तो साइको किलर वाली वाइब आ रही है, पता नहीं क्यों। गाइज, हिम्मत ने ना चिप्स लिए थे जो हिम्मत को पसंद नहीं आए, और जो इसके चाचू के पास थे, ये कह रहा कि मैनू इन्हें स्विच करा दो। मैं क्या अपने आप कह दे, कह रहा कि मुझे ना काफ़ी शर्म आ रही है, कहना स्विच करा दो और उन्होंने गंदे वाले दे दो, मेनू चंगे वाले दे। सो मॉस्क के बाद हमने प्लान बनाया कि हम खाना खाने के लिए जाते हैं एमिरेट पैलेस के रेस्टोरेंट में। वहाँ पे हम गए, पर वो बहुत बिजी था, तो रिजर्वेशन नहीं हुई हमारी। एमिरेट पैलेस इसका नाम, मुझे पूरा नहीं पता, आपको बताऊंगी मैं। और लुक के दस आइए, इसके वॉशरूम्स कितने प्यारे एंड लग्जरी हैं, जैसे पुराने जमाने में आए। पैलेस, मून पैलेस इज रियली इवन बेटर। या इट्स सिमिलर टू दिस। सो ये इसके लैम्प्स हैं, और हिम्मत कह रहा कि ऐसा लग रहा है कि इसको हिलाएंगे कोई डोर ओपन हो जाएगा। ओके, सो अब हम पैलेस के बाहर आ गए हैं। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार नज़ारा है, एंड पिक्चर्स क्लिक करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस, एंड सामने फाउंटेन्स भी है, एंड पूरा फील ले रही हूँ मैं आज अपने आउटफिट का। मैंने पिक्चर्स भी क्लिक किए हैं, शायद मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी, आई डोंट नो ऑलरेडी की है या नहीं। और यहाँ पे फाउंटेन्स हैं बहुत अच्छी, हिम्मत वहाँ चला गया है ठंडा होने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। और मैं लगा मैं जिन्ना अपनी स्किन केयर मेहनत की थी ना, सारी बेकार जानी। सनस्क्रीन तो मैंने लगाया है, पर आई डोंट नो वो हेल्प करेगी। सो वो मेरे जो पीछे आपको दिख रहा है वो पैलेस है,
एमिरेट पैलेस, आई होप आई एम सेइंग इट राइट, पर यह बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा बना हुआ है एंड मॉस्क देख के तो बहुत मज़ा आया गाइस। पहला एक्सपीरियंस था, बहुत पीसफुल एंड बहुत शांत एंड कलाकारी एंड जो वो आर्किटेक्ट है अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल, बहुत ही मज़ेदार। सो अब हम कुछ खाने वाले हैं, लेट्स सी क्या खाते हैं, भूख लगी है हमें। मुझे लग रहा है कि हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही खा रहे हैं, पर क्या हम थोड़ा कोमा फिर भी ज़्यादा ही रहे नहीं। ओके सो हमें हमारा लेबनीज रेस्टोरेंट मिल चुका है, मुझे लग रहा है हम जाने वाले हैं ज़हरात लेबनान, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है ये तो। और हमारी सराउंडिंग कुछ इस तरह की है, खूबसूरत राइट। और मिमी बेचारे ने मेरा बैग पकड़ा है, चल चल चल। तो वहाँ पे हमें जगह नहीं मिली तो हमने ये बहुत ही मज़ेदार लेबनीज फूड प्लेस ढूंढा है अबू धाबी में ही। लेबनीज खाना खाने में बहुत मज़ा आ रहा है, इतनी क्वालिटी एंड इतना अच्छा फ्लेवर है ना गाइस, आई कांट इवन एक्सप्लेन, यू शुड ट्राई इट, बहुत मज़ेदार है। करो कर कर ला जोर, तेरे तो ऐप्स बन गया, चल 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 चल। तो खाना खाने के बाद हमने सोचा कि कुछ समय हम बीच पे स्पेंड करते हैं, बहुत ही मज़ेदार बहुत ही क्लीन बीच है ये अबू धाबी का। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रौनक मेला था क्योंकि छुट्टी थी एंड हिम्मत ने काफ़ी प्ले भी कर लिया, वहाँ पार्क थी, मुझे लगा हमने मोर देन घंटा स्पेंड किया वहाँ पे। उसके बाद हम रवाना हो गए दुबई अपने होटल की तरफ।
इसी तरह हमारा ये बहुत ही प्यारा सक्सेसफुल दिन गया। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और कमेंट बार में बताना कि आपको मेरा आउटफिट कैसा लगा और इस व्लॉग में सबसे ज़्यादा अच्छा आपको क्या लगा। मैं आपको मिलूंगी जल्दी ही नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइज अ ब्यूटिफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। वी गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। लव यू गाइज सो वेरी मच। बाय।